है वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। तो लग रही पूरी काजू कतरी यार, वो नहीं था मेरे पास सिल्वर का जो दी की जाती है ना ऊपर से। सिस्टर्स ने मुझे ये राखियां भेजी हैं उनको भूल रहा है, रुक मैं देती हूँ उसको चॉकलेट। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं आज अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ बिल्कुल सुबह से। अभी सुबह के 8:30 हो रहे हैं और आज है सावन पूर्णिमा और सावन का अंतिम सोमवार। तो आप सभी को एक बार फिर से सावन पूर्णिमा और अंतिम सोमवार की बहुत बहुत बधाइयां। और साथ में आज है रक्षाबंधन, तो रक्षाबंधन की भी सभी को बहुत बहुत बधाई। और आज राखी जो है वो दोपहर के 2 बजे के बाद बांधी जाएगी। और गाइस तो हम भी सुबह सुबह सारा काम करके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं क्योंकि मंदिर में भी जाना है और फिर उसके बाद बनाएंगे घर में कुछ स्वीट्स क्योंकि आज है रक्षाबंधन। और आज तो बिल्कुल रेडी बैठा है और एक बात और कहना चाहूंगी, जो भी कोलकाता में हुआ है एक लेडी डॉक्टर के साथ वो नहीं होना चाहिए था। हमारे इंडिया में अभी भी लड़कियां जो है वो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। पहले तो लेडीज के साथ जो भी होता था महाभारत हो जाते थे और लंका दहन जैसी बातें हुई है, लेकिन अभी तो कुछ दिन कैंडल मार्च चलता है और उसके बाद सब चुपचाप बैठ जाते हैं, लेकिन वो बहुत गलत है। अगर इसी तरह कर लेंगे तो सभी के घर में लड़कियां हैं वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। तो सभी ऐसा कार्य ना करें जो लड़कियों को असुरक्षित महसूस करवाए। तो अभी चलो जी मंदिर जाके आते हैं। आज पहुंच गए हैं मंदिर में और आज हम दोनों ही मंदिर में गए हैं क्योंकि अनुज निकल गए हैं ऑफिस के लिए, उन्हें ऑफिस में जरूरी काम था। और अर्श ने मेरे से फोन ले लिया कि मम्मा मैं आपका शूट करता हूँ, और वो कुछ मेरा शूट करता रहा और मैं उसका शूट करती रहूं। और आज महादेव जी का आखिरी सावन का आखिरी सोमवार भी है तो हमारा फास्ट भी था। मैंने बोला चल अर्श आज तू भी चल पड़ मेरे साथ मंदिर में, क्योंकि ऐसे तो वो सुबह सुबह स्कूल निकल जाता है। और आज रक्षाबंधन भी था तो रक्षाबंधन की उसे आज छुट्टी भी थी तो आज मेरे साथ वो भी गया। तो हमने बोला कि हम महादेव जी को आज जल अर्पित करके आते हैं दोनों। मंदिर से जाके मैं आ गई हूँ, अब सीधे गई हूँ मैं किचन में। तो किचन में मैंने दूध गर्म करने रख दिया था क्योंकि सुबह मैंने दूध गर्म नहीं किया था। और साथ में मैं लग पड़ी हूँ बर्फी बनाने, तो आज मैं बना रही हूँ काजू की बर्फी, काजू कतली, क्योंकि आज मेरा और अनुज का फास्ट भी था तो मैंने सोचा थोड़ी बन जाएगी। तो आज राखी भी बांधेंगे तो खाने के लिए भी हो जाएगी, तो मैं बना रही थी। और ये जो है ना काजू कतली मैं फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ, पहले मैंने नहीं बनाई थी। तो बस अभी मैं काजू को मैंने पहले ही भिगोने डाल दिया था सुबह लगभग 2 घंटे के लिए। और देखिए काजू अभी अच्छे से फूल गए हैं, बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, तो अभी मैं इनको पीस लूंगी। और इससे पहले ही मैंने शुगर भी, एक कटोरी मैंने काजू डाले थी तो शुगर मैंने आधी कटोरी से थोड़ी सी ज़्यादा डाली थी, तो शुगर को मैंने पीस के रख लिया है। और अभी काजू को मैं ग्राइंड करूंगी, और काजू को हमें बिना पानी डाले ही ग्राइंड करना है, बिल्कुल भी एक बूंद इसमें पानी नहीं डालना है। तो बहुत धीरे धीरे से मुझे मिक्सी चला के इसको ग्राइंड करना होगा। एक बार ग्राइंड कर ली फिर दोबारा से स्पून से हमें इसको इकट्ठे कर लेना है, फिर दोबारा से चलानी है। और फिर मैंने मिक्स चीनी भी मैं इसमें ही मिला दी क्योंकि हमें चीनी भी इसमें ही मिलानी थी। तो मैं इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँ और जैसे बिल्कुल फाइन पेस्ट इसका बन जाएगा, फिर मैं इसको एक कढ़ाई में पलट लूंगी। कढ़ाई चाहिए आप लोहे वाली भी ले सकते हैं, लेकिन कढ़ाई तो अभी आपके साथ थोड़ी मोटी तली वाली ही। हेलो, आज सभी अच्छे अच्छे बड़बड़ तैयार हुए आज के हैप्पी रक्षाबंधन। अभी दोपहर के बाद पहनाई जाएगी ना राखी, तो 1:30 के बाद। ये देखो 1:00 1:30 बेटा है, 1:30 के बाद। चलो बैठो आराम से बैठो, देखो आयुष रेसिंग कार देख लेना, सुनो रेसिंग कार देख लेना, मन्ना दीदी परी दीदी अर्श भैया के इसका देखना है, फिर उसके बाद तेरी पसंद कल गाया जाएगा, ठीक है? बैठो, लाइट गई, लाइट गई, ठीक है बैठ जाओ, अब लाइट चली गई। इससे मत लगो बेटा छूट, सारे बड़े सुंदर सुंदर बने हैं, पारी की पायल तो बड़ी सुंदर लग रही, छम 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 डाली है ना, है ना? हाँ तो सब ने पायलट डाली हुई है भाई, मन्ना ने भी डाली हुई है। अरे वाह, घूम के दिखा दे।
हेलो। और साक्षी तुम मेहंदी लगा के आई है, बताओ अपनी मेहंदी किसने लगाई है? खुद से लगाई। वाह बता। बहुत सुंदर लग रही। मम्मी को भी लगा के आई। मम्मी को भी लगा दी। यहाँ पे सारे बच्चे आ गए थे तो मैंने इनको रूम में बिठा के आई थी कि आप यहाँ पे रूम में बैठो आराम से खेलो। और फिर मैं आ गई वापस किचन में, और किचन में आके मैंने जो मैंने काजू और चीनी को अच्छे से ग्राइंड किया था उसको मैंने नॉन स्टिकी पैन में डाल दिया। और अब मैं इसको ना चलाती रहूंगी, और पहले तो ये थोड़ा पिघलना शुरू होगा क्योंकि इसमें मैंने चीनी डाली है। फिर धीरे धीरे जैसे आप पकाते जाएंगे फिर से वो इकट्ठा होने लग पड़ेगा, और आपको इसको तब तक पकाना है जब तक इसका अच्छे से ये आपस में मिल नहीं जाती। और जैसे ही आपस में मिल जाएगी पूरी तो बिल्कुल कढ़ाई छोड़ने लगेगी। और उसके बाद आपको एक बटर पेपर लेना है और उसके ऊपर आपको इसको स्प्रेड कर देना। आप प्लास्टिक के ऊपर भी कर सकते हैं लेकिन बहुत गर्म होती है, तो गर्म गर्म चीज़ जो है वो हमें प्लास्टिक के ऊपर यूज़ नहीं करनी चाहिए, तो आप बटर पेपर ही लें, वो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो बटर के पेपर के ऊपर मैंने इसको स्प्रेड कर दिया है, अब ऊपर से एक बटर पेपर और लगा लूँगी और फिर बेलन से इसको अच्छे से मैं बेल दूंगी जिससे काफ़ी अच्छी इसको सेप आ जाएगी। फिर उसके बाद बटर पेपर उठा के नाइफ से मैं इसके कटिंग कर लूंगी, और फिर हमारी काजू कतरी खाने के लिए। अभी किचन में मेरी तैयारी हो गई है चाउमीन बनाने की, क्योंकि बच्चे भी होंगे राखी बांधेंगे, तो मैंने सोचा थोड़ी सी उनके लिए चाउमीन बना देती हूँ। और हमारा तो फास्ट है तो फटाफट से मैंने रख दी है कढ़ाई, और मैं इसमें डाल लूंगी ऑयल। मैंने कढ़ाई में डाल दिया है, अभी इसे गर्म होने देती हूँ। और यहाँ पे मैंने सारी सब्जियों की चॉपिंग भी कर ली है, गाजर, कैप्सिकम, कैबेज, लहसुन अदरक और हरी मिर्ची। तो फटाफट से गाइस अभी बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। मैंने इन्हें टेस्ट करने के लिए दे दिया है क्योंकि घर की बनी हुई बर्फी है प्योर, और मैंने खुद बनाई है तो फास्ट में भी खा सकते हैं। तो मैंने भगवान जी को भोग लगा दिया और इनको टेस्ट करने के लिए दे दी। कैसी बनी है? मस्त लग रही पूरी काजू कतरी। यार वो नहीं था मेरे पास सिल्वर का जो दी की जाती है ना ऊपर से, वो लगती है ना काजू कतरी। नहीं अच्छी लगती है देखने में, मस्त लग। आ दो अभी बच्चे आ रहे हैं, वो राखी पहनाएंगे, उनको टेस्ट करवाऊंगी। बिल्कुल बर्फी बन चुकी है और मैंने उनको टेस्टी भी करवा दी है, काफी टेस्टी बनी। और वो किचन में भी पहुंच चुके हैं खाने के लिए। गाल देती हूँ प्लेट में रख देती हूँ, फिर बताओ। टेस्टी तो है, बहुत टेस्ट तो कर ही लिया मैंने। ये सोच रहा हूँ पूरी फिनिश कर दूँ। अच्छा जी, एक दीदी की राखी नहीं पहुंची थी, वो अभी पहुंची ठीक 2:15 पहले। 12 मिनट पहले। हाँ 12 मिनट पहले। चलो पहुंच गई ना। और सब डिलीवर बता रहा था राखी का पता ही नहीं चल रहा था राखी गई कहाँ। और चलिए जी अभी पहुंच चुकी है राखी, तो अभी तैयारी भी करते हैं पहनने की। गाइस तो अभी थोड़ी देर में रक्षाबंधन का मुहूर्त भी शुरू होने वाला है, तो मैंने सोचा जो राखियां आई है उन्होंने भी अनबॉक्स कर देती हूँ। कुछ तो अर्श ने पहले ही कर दी है अनबॉक्स। तुम्हें जाइए आपको जो मेरी सिस्टर्स ने मुझे राखियां भेजी थी, मैंने तीनों राखियां पहन ली हैं। और जो मेरी सिस्टर्स ने मुझे ये राखियां भेजी हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू। और मैंने भी पहन लिए, और जो चॉकलेट्स हैं ये भी भेजे हैं, तो ये सारी चीजों के लिए थैंक यू वेरी मच। और मैंने भी पहन लिए राखी, मेरी तरफ से भी सबको बहुत बहुत रक्षाबंधन की बधाई। और अभी आर्श की पहननी बाकी है क्योंकि वो गया है अपनी सिस्टर के पास राखी पहनने के लिए, उनको बुलाने के लिए। सिस्टर्स आजकल आ नहीं रही हैं उसके पास, उसको खुद जाना पड़ रहा है सिस्टर्स के पास राखी बनवाने। नहीं वो तो आ रही है पर उनको लाने गया है वो। मतलब मैं लेके आता हूँ, मतलब बढ़िया है। क्यों आपने देना था कि आप लेके आए? नहीं।
अच्छा चलो ठीक है आ जाओ परी। अच्छा ये का है, ये कुछ नहीं है। बैठो 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 आज चल बैठो बेटा पर ये इस तरफ आ जा मन आ जा इस तरफ दे देना मिठाई खाने को चौमिन लाओ ना आपको खाने के लिए बैठो रुको क्यों हुआ चौमिन खाती हूँ आपको थोड़ी थोड़ी ठीक है अर्श रखते हैं सारी को एक जगह हाँ इसको भी खिला मिठाई दे इसको भूल रहा है रुक मैं देती हूँ उसको चॉकलेट मैं देती हूँ आयुष हाँ देती हूँ रक्षाबंधन भी सेलिब्रेट कर लिया और चौमिन कैसी बनी है बहुत अच्छी टेस्टी है मस्त ठीक है फिनिश करो आयुष ने खाई नहीं और इन्होंने अपना गिफ्ट भी खोल दिए पसंद आए ये भाई पसंद आए कोई बात नहीं बेटा फिर मंदिर में रख देना अच्छा लगा आपको आपको साक्षी परी को इधर देखो खाई नहीं थी अच्छा लगा चेंज कर लिया इसको डोरी बहुत पसंद नहीं आया है ना ये अच्छा है ना ठीक है गाइस तो अभी हम सब ने रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर लिया और अच्छे से राखियां भी बांध ली और हर साल सभी के जीवन में रक्षाबंधन ऐसे ही आए बहुत सारी खुशियां लेकर खूब इंजॉय किया आज बच्चों ने सुबह से लेके अभी तक और अभी मैंने बोला थोड़ी देर रेस्ट कर लो तो अभी थोड़ी देर कर रहे हैं ये रेस्ट करेगा अभी करेगा नहीं अभी तो मेरा कैमरा मैन बना हुआ है तो बोल रहा है मैं सोऊंगा नहीं मैंने बोला सोना है थोड़ी देर क्यों सोना है ना थोड़ी सोना नहीं है सोना है मुझे ना ये आप भी आपको नहीं खाऊंगा मैं आपका फोटो मैं ना ये देखूंगा भाई ये देखो फोन दिखा रहा है आपको कि मैं अभी फोन देखूंगा तो गाइस इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग का एंड करती हूँ मिलती हूँ आपको नेक्स्ट एक नई वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर।